हेलो फ्रेंड्स, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार पैरामेडिकल 2021 की जो ऑफलाइन काउंसलिंग होने की नोटिस है आप लोगों को, वो मैं क्लियर करने वाला हूँ कि क्या है नोटिस। आप लोगों की काउंसलिंग जो होती थी वो ऑनलाइन होती थी और उसके बाद डायरेक्ट जो है आपको कॉलेज में जा करके वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता था और एडमिशन रसीद कटवाना होता था। लेकिन इस बार की जो है वो कुछ अलग प्रोसेस है, ठीक है। जैसे सीट अलॉटमेंट ऑर्डर तो आपका आएगा ही आएगा, जो ऑनलाइन किए हुए हैं चॉइस फिलिंग उनका सीट अलॉटमेंट ऑर्डर आएगा ही आएगा। लेकिन सीट अलॉटमेंट ऑर्डर में जो पिछले बार कॉलेज का नाम दे दिया जाता था, जैसे अगर एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें कि आपको जो है सीट अलॉटमेंट ऑर्डर में आपको जो सीट अलॉट हुई है वो DMCH का सीट अलॉट हुआ है, ठीक है। तो आपको DMCH ही एक डेट पर बुलाया जाता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार आप लोगों को ऑफलाइन जो है काउंसलिंग होगी और वो भी कहाँ, पटना IAS भवन में, ठीक है। ये कहाँ पर नोटिस आया जो मैं बता रहा हूँ, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। एक जो है न्यूज़पेपर का कटिंग मैं दिखा रहा हूँ, न्यूज़पेपर जो है अच्छी न्यूज़पेपर है, ऐसा नहीं कि फेक है जो फेक न्यूज़ चला दे रहा हो। तो चलिए वो कटिंग मैं दिखा दे रहा हूँ न्यूज़पेपर का आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों का जो है ये पेपर का एक कटिंग है यहाँ पर दिखाया गया है। BCEC का 5 को ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित होगी। BCEC का जो काउंसलिंग है वो 5 जनवरी से जो है ऑफलाइन काउंसलिंग जो है स्टार्ट होगी। यहाँ पर आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद द्वारा पैरामेडिकल और फार्मेसी की ऑफलाइन काउंसलिंग 5 जनवरी 2022 को आयोजित होगी। बोर्ड ने वेबसाइट पर काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड ने जारी सूचनाओं के अनुसार पैरामेडिकल और फार्मेसी 2021 में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए 5 जनवरी को पार्षद कार्यालय IAS भवन पटना, जो कि पटना हवाई अड्डे के जो है पास में है, सभी लोग जो है इस नोटिस को जान ले। और ये जो मैं नोटिस दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का है ये पेपर का कटिंग है, पेज नंबर 4 पर जो है 29 दिसंबर का जो है डेट है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है पेपर में दिया गया है, तो मुझे नहीं लग रहा दैनिक भास्कर दिया तो मुझे नहीं लग रहा कि ये फेक होगा। वैसे कल तक में जो है आपके वेबसाइट जो BCEC इस पर भी नोटिस आ जाएगा, अभी तो फिलहाल कोई नोटिस आया हुआ नहीं है। जैसे आती है तो फिर मैं नोटिस का जो है अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे फ्रेंड्स के साथ ताकि उसे जो है टेंशन नहीं हो और काउंसलिंग की सही जानकारी मिल जाए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही ढेर सारे अपडेट पाने के लिए बायोवर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप 2022 की तैयारी करना चाहते हैं बिहार पैरामेडिकल की, तो उसके लिए आप बायोवर्ल्ड को ज्वाइन करें। हमारे यहाँ एप्लीकेशन के माध्यम से पूरी तैयारी होती है हर एक विषय की और अच्छे तरह से टेस्ट भी।